व्यास कहे मत सोच तू क्या है विधि का लेख, करता जा निज कर्म तू फल की ओर न देख। नमस्कार अतिथिगण, सम्मान्य निर्णायक मंडल, सभी शिक्षकगण और प्रिय साथियों, मैं अनन्या पांडे और मैं कनिष्का शेखावत स्वागत करते हैं आप सभी का और स्वागत करते हैं आपका आज की वाद विवाद प्रतियोगिता में। आज हम सब यहाँ एक बहुत ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए एकांतरित हुए हैं। हमारे प्रतिभागी अपने तर्क और विचारों से मंत्रमुग्ध करेंगे। दोस्तों, विचारों में है वो शक्ति जो असंभव को भी संभव कर सकती है और आज हम सब इसी शक्ति के साक्षी बनने वाले हैं। आज की प्रतियोगिता का विषय है हाल ही में पारित कृषि कानून भारतीय किसानों के लिए लाभकारी है या हानिकारक। वाद विवाद एक ऐसा माध्यम है जो हमें सिखाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर ध्यान दें। पहला, प्रत्येक कक्षा विभाग से दो प्रतिभागी होंगे, एक पक्ष और दूसरा विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक प्रतिभागी को अपने विचार व्यक्त करने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। 2 मिनट पर पहली घंटी बजाई जाएगी, समय समापन पर दूसरी घंटी बजाई जाएगी। कृपया उसके बाद तुरंत अपनी बात समाप्त करें। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वाद विवाद के दौरान दूसरे प्रतिभागियों के विचारों का सम्मान करें। याद रखें, विचारों का संघर्ष ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है। इस विचारों के संग्राम में न्याय करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है हमारे माननीय निर्णायकगण फादर थॉमस, रीनू यादव मैम, वंदना राजपूत मैम। निर्णायक मूल्यांकन मापदंड कुछ इस प्रकार है। विषय की समझ और ज्ञान 25%, विषय की गहराई में जाना, विषय से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग, विषय के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण। तर्क और तर्क संगतता 25%, तर्कों की मजबूती और तर्क संगतता, तर्कों का संगठित और सुसंगत प्रस्तुतिकरण। अभिव्यक्ति का संचार कौशल 20%, स्पष्ट और प्रभावी अभिव्यक्ति, उचित भाषा और शैली का उपयोग, दर्शकों को आकर्षित करने की क्षमता। समय प्रबंधन और संगठन 15%, समय का प्रभावी उपयोग, विचारों को संगठित प्रस्तुतिकरण, समय सीमा के भीतर पूर्ण प्रस्तुति। सम्मानजनक भाषा और अंतिम निष्कर्ष 5%, सम्मानजनक भाषा का उपयोग, निष्कर्ष का स्पष्ट और तर्क संगत प्रस्तुतिकरण। निर्णायक समिति का निर्णय अंतिम मान्य होगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज के प्रतियोगिता का आरंभ करते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे प्रथम वक्ता प्रतियोगी संख्या 5 का, जो विषय के पक्ष में बोलेंगे। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, न्यायाधीश, शिक्षिकागण और मेरे सम्मानीय दर्शक, मैं मनन प्रताप सिंह, कक्षा 10वीं का छात्र, आज विषय के पक्ष में बोलने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हमें यह सुनना अनिवार्य है कि भारत सरकार द्वारा किसानों को कितना लाभ मिला है और हम इन पर ध्यान दें। जिसमें पहला कानून जो कि किसानों के हित में है और उनके न्याय के लिए है, जिसमें उन्हें अपनी फसल देश के किसी भी कोने में बेचने की पूरी अनुमति है तथा उन्हें उनका बेहतर मूल्य दिया जाएगा। दूसरे कानून की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कानून में भारत सरकार द्वारा किसानों को दिया गया हक है कि उन्हें उनके कर्ज से मुक्ति दी जाएगी, इस पर से उनके कंधे पर से कर्ज का एक बोझ हट जाएगा। तीसरे कानून में भारत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल का उचित बीमा दिया जाएगा, जिसके तहत उन्हें उनकी फसल के नुकसान पर पूरी भरपाई मिलेगी। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कानून किसानों के हित में तथा उनके लाभ में है। धन्यवाद। आपके विचारों की गहराई ने हमें प्रभावित किया है, धन्यवाद इस प्रदर्शन के लिए। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे दूसरे वक्ता प्रतियोगी संख्या 8 को, जो विषय के विपक्ष में बोलेंगे। 2020 में मोदी सरकार ने 3 कानूनों को लागू किया जो कृषि में सुधार लाने का दावा किया, लेकिन उनमें बहुत सी खामियां
सुप्रभात, मैं प्रौद्योगिकी क्रमांक एक आज आप सबके समक्ष आज की हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय हाल ही में पारित कृषि कानून भारतीय किसानों के लिए लाभकारी या हानिकारक के विषय में विवाद करूंगी। पहले कानून मंडियों की सुधार के लिए लाया गया, लेकिन उसमें खड़ी हुई मंडियों की समस्याओं का जिक्र नहीं था, ना ही पर्याप्त संख्या में मंडियां थी। कुल 7,000 मंडियां हैं, परंतु जरूरत 42,000 मंडियों की है, जिनका निर्माण करके किसानों की पहुंच मंडियों तक बनानी थी। बड़े पूंजीपतियों के रिटेल ट्रेड में आने से मंडियां खत्म होने लगेगी, ठीक वैसे ही जैसे मजबूत निजीकॉम टेलीकॉम कंपनियों के आने से BSNL खत्म हो गई। दूसरे कानून से तो किसान एक बंधुआ मजदूर बन के रह जाता। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के समय किसान और ठेकेदार के बीच कोई विवाद हो जाता तो क्या एक गरीब किसान एक पूंजी से भरे इंसान को एक महंगा वकील करके हरा पाता? तीसरे कानून ना सिर्फ जंग के लिए बल्कि किसानों के लिए भी हानिकारक है। किसानों के पास भंडारण की सुविधा थी क्या? जो वह सही समय आने पर उसको बेच पाता, वह 80% किसान छोटे और मंझोले हैं जो तो सिर्फ सही दाम जो बिकड़ा उसमें बेचे थे, बल्कि पूंजीपतियों के पास बहुत ज्यादा पैसा है जो भंडारण कर सके और अपनी निजी जरूरतों को पूरा कर सके। इससे साफ स्पष्ट होता है कि यह कानून किसानों के लिए नहीं बल्कि देश के गिने चुने पूंजीपतियों को और लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। धन्यवाद। तो अपने तर्क और विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे अगले वक्ता प्रतियोगी संख्या 2 जो विषय के पक्ष में बोलेंगे। मेरी ओर से बताना चाह रहे हैं सभी अध्यापकों और मेरे समस्त सहपाठियों को सुप्रभात। मैं आज अपने विचार भारतीय कृषि कानून किस प्रकार किसानों के लिए लाभदायक है उस पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि नए भारतीय कृषि कानूनों से किसानों को लाभ मिला। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें सारी फसलें मौसमानुसार होती हैं। भारत में खेती वर्षा पर आधारित है। अगर वर्षा अनियमित रूप से हो या ना हो तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके लिए भारत सरकार ने नए कृषि कानून पारित कर उन्हें लाभदायक करने का विचार किया है। इसके 3 मुख्य प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य। इस प्रस्ताव के अनुसार किसान अपने उपज को अलग अलग राज्यों में उचित मूल्य में बेच सकता है। किसान अपने विक्रय दायरे को बढ़ा सकता है, वे किसान उचित मूल्य प्राप्त कर सकता है। दूसरा प्रस्ताव कीमत आश्वासन व कृषक सेवा पर करार। इस प्रस्ताव के अनुसार किसान बड़े विक्रेताओं की सहायता से उपज से पूर्व भी धन प्राप्ति कर सकता है। तीसरा प्रस्ताव यह है कि किसान उस मुनाफाखोरी को रोक सकता है जिसकी वजह से किसानों को फायदा नहीं होता। इनके कारण किसान एक नई नीति के ओर प्रस्ताव करेगा, जिससे वे ज़्यादा जोखिम वाली फसल की जगह ज़्यादा उपज वाली फसल पर ध्यान देगा। किसान करार होने से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। बड़े उद्योगपति की सहायता से किसान सुरक्षित होकर अपनी उपज का आदान प्रदान कर पाएगा। मेरे सहपाठी शायद मेरे विचारों से सहमत ना हो, लेकिन मेरा यही मानना है कि जो देश कृषि विकसित है वह सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश है। जय हिंद, जय किसान, जय भारत। आपके विचारों ने हमें सोचने पर मजबूर किया है। धन्यवाद इस सशक्त और प्रेरणादायक प्रस्तुति के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अगले प्रतिभागी प्रतियोगी संख्या 7 जो विषय के विपक्ष में अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। हर बदलाव को सुधार नहीं कहा जा सकता, कुछ विनाश का कारण भी बन सकते हैं। सुप्रभात, मैं प्रतिभागी संख्या 7 आज आप सबके समक्ष केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहला कानून,
कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020। इसके अनुसार किसान अपनी फसल अपने मनचाहे स्थान पर बेच सकता है, पर इस कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था समाप्त होने की आशंका है और किसानों को व्यापारियों द्वारा ठगी के मामले भी बढ़ेंगे। दूसरा कानून कृषक मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा का करार अधिनियम 2020। इसके अनुसार किसी भी कृषि उपज के उत्पादन से पहले की गई लिखित समझौते सूचीबद्ध है, पर छोटे किसान अनुबंध की शर्तों को समझने में असमर्थ हैं, जिसके कारण उनका शोषण किया जा सकता है और मूल निर्धारित ना होने के कारण जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण होगा। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। इसके अनुसार खाद्य वस्तुओं का भंडारण वितरण और उत्पत्ति को नियंत्रण मुक्त कर दिया जाएगा, जिससे व्यापारी कृषि उपज की जमाखोरी करेंगे और जब मूल्य बढ़ेगा तब उसे जारी कर देंगे। इससे खाद्य सुरक्षा कमजोर हो सकती है। इन कानूनों के पारित होते ही कई राज्यों में मंडियों की खरीद मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी नीचे आ चुकी है, जैसे उत्तर प्रदेश में 50% से, कर्नाटक में 60% से और गुजरात में 80% तक नीचे आ चुकी है। तो यह कानून किस प्रकार किसानों के हित में हो सकते हैं? अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो कानून किसानों के हित में ही नहीं है उनको निष्कासित करना ही सही होगा। धन्यवाद। जय हिंद। आपके विचारों ने चर्चा को एक नई दिशा दी है। अपने विचारों से मंत्रमुग्ध करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अगले प्रतियोगी संख्या 4 को, जो विषय के पक्ष में बोलेंगे। सुप्रभात न्यायाधीशों और सम्मान्य दर्शकों, मैं आज आपके सामने ये साबित करने के लिए खड़ी हूँ कि हाल ही में पारित कृषि कानून किसानों के पक्ष में कितना तर्कसंगत और प्रभावी है। हमारे समाज के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है कि हम इन कानूनों को समझें और इसके लाभों पर ध्यान दें। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारी वर्तमान परिस्थितियों को प्रभावित करता है बल्कि हमारे भविष्य की दिशा भी तय करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बातें आपके विचारों को प्रभावित करेंगी और आप समझ सकेंगे कि ये कानून हमारे हित में है। पहला बिंदु विपणन की स्वतंत्रता। नए कानून में किसानों को यह अधिकार मिला है कि वह अपनी उपज को किसी भी स्थान पर किसी भी खरीदार को बेच सकते हैं। पहले केवल मंडियों में बेचने की बाध्यता थी जिससे हमें सीमित विकल्प मिलते थे। अब वे सीधे बड़े खुदरा विक्रेता और खाद प्रसंस्करण कंपनियों के साथ सौदा कर सकते हैं जिससे उन्हें बेहतर मूल्य मिल सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है खुदरा बाजार में प्रवेश। इस कानून से किसानों को खुदरा विक्रेताओं के साथ सौदा करने की स्वतंत्रता मिली है। इससे उनका मुनाफा बढ़ सकता है क्योंकि वे बिचौलियों से बच सकते हैं और अपने उपज की कीमत स्वयं तय कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। नए कानून में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार की बात की गई है, जैसे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और भंडारण और बेहतर भंडारण सुविधाएं। इससे उत्पादकता में सुधार होगा और किसान अपनी उपज को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। चौथा बिंदु है किसान संघों और संगठनों को प्रबंधन में शामिल करना। नए कानून में किसान संघों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार दिया है जिससे नीतियों में पारदर्शिता और किसानों की आवाज सुनने की व्यवस्था बेहतर हो सकेगी। पांचवा बिंदु MSP की गारंटी। नए कानून में किसानों को MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी गई है। इससे उन्हें अपने उपज की सही मूल्य मिलेगी और अपने आय में वृद्धि कर सकेंगे। इन सभी कारणों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये कानून किसानों के हित में है क्योंकि न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएंगे बल्कि उनको अधिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता भी प्रदान करेंगे। धन्यवाद। आपके विचारों की गहराई ने हमें प्रभावित किया है। धन्यवाद इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए। चलिए अब अगले प्रतिभागी प्रतियोगी संख्या 9 को आमंत्रित करते हैं और इस रोचक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यह विषय के विपक्ष में बोलेंगे। ये विडंबना तो देखिए कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आज कृषकों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। सुप्रभात।
परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी, निर्णायगण और मेरे प्रिय सहपाठी, हाल ही में पारित कृषि कानूनों के विरुद्ध में मैं अपना मत रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको इन तीनों कृषि कानूनों के विषय में बताना चाहती हूँ। पहला कानून था कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून 2020। दूसरा कानून था कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। तीसरा कानून था आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। अब मैं आपको इन तीनों कृषि कानूनों के विरोध में बोलने की वजह बता देती हूँ। मेरे मतानुसार इन तीनों कानूनों से कृषि क्षेत्र में कॉरपोरेटों और पूंजीपतियों का दबदबा बढ़ेगा। इन तीनों कृषि कानूनों की वजह से फसलों की जमाखोरी करना उनके लिए आसान हो जाएगा, किसानों का शोषण करना आसान हो जाएगा। कंपनियां जब चाहे फसलों को किसी भी कीमत पर खरीद सकती थी और किसी भी कीमत पर बेचेंगी। ऐसे में ज्यादातर मुनाफा ये कंपनियां ले जाएंगी, कंज्यूमर को एक आम आदमी को ज्यादा दाम देना पड़ेगा और किसानों को इतनी कम कीमत पर अपनी फसलों को बेचना पड़ेगा। इनमें एक और चीज है कि अगर किसानों का फसलों का उत्पादन ज्यादा हो जाए तो व्यापारी उनसे उनकी फसल कम कीमत पर खरीदेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर सरकार कह रही थी कि उनकी फसलों के भंडारण के लिए उन्हें संसाधन लेने होंगे, लेकिन किसानों के पास इतनी व्यवस्था नहीं होती कि वो बखूबी अपनी फसलों को भंडारण कर सके। ऐसे में इन तीनों कृषि कानूनों में इतनी कमियां होने के कारण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आपने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अपने विचार रखे, अपने तर्क और विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे अगले वक्ता प्रतियोगी संख्या एक, जो विषय के पक्ष में बोलेंगे। माननीय निर्णायगण, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे साथियों, मैं उम्मीदवार संख्या एक आज इस बहस प्रतियोगिता में कृषि कानून 2020 के समर्थन में अपने विचार आप सभी के सामने प्रस्तुत करने आया हूँ। भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 60% आबादी के लिए कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। भारत में कृषि कुल GDP में 16% और कुल निर्यात में 10% का योगदान देता है। यह केवल आजीविका का स्रोत नहीं, यह भोजन, चारा और ईंधन का मुख्य स्रोत है। भारत में कृषि सुधार की मांग वर्षों से की जा रही है। भारत सरकार ने कृषि सुधार हेतु 2020 में पारित कृषि कानून, जिन्हें सुधारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, भारत के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कराना और उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना है। पहला कानून, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। यह कानून किसानों को उनकी फसल को मंडियों के बाहर भी बेचने की आजादी देता है। इसका मतलब यह है कि किसान अपनी उपज का व्यापार देश के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं जहां उन्हें अधिक लाभ मिल सके। यह स्वतंत्रता कृषि में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगी और किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य दिलाएगी। दूसरा कानून, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020। यह कानून किसानों को अग्रिम रूप से अपनी फसल की कीमत तय करने की आजादी देता है। इसका मतलब यह है कि किसान अपनी फसल की कीमत पहले से तय कर सकते हैं, जिससे वह बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होंगे और उन्हें व्यापारियों के हाथों होने वाले धोखाधड़ी से भी बचाव मिलेगा। तीसरा कानून, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। यह कानून आवश्यक वस्तुओं की सूची में बदलाव करता है, जिससे व्यापारी अपनी भंडारण क्षमता बढ़ा सकते हैं और किसानों को यह कानून उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने की एक
मूल्य दिलाने में मदद करेगा। मैं अपने प्रतिद्वंदियों से ये कहना चाहूंगा, इन कानूनों से किसानों को नई स्वतंत्रता प्राप्त होगी, अनुबंध खेती करने का मौका मिलेगा। अनुबंध खेती से किसानों को उनकी फसल में गुणवत्ता बेहतर करने और आधुनिक तकनीक अपनाने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। इन कानूनों से न्यूनतम विक्रय मूल्य और कृषि उपज व्यापार अधिनियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कृषि कानून 2020 भारत के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और ये एक क्रांतिकारी कदम भी है। धन्यवाद। आपके विचारों ने हमें सोचने के लिए नई दिशा दी है। धन्यवाद इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए। अब मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूँ प्रतियोगी संख्या 6 जो हमें अपने दृष्टिकोण से अवगत कराए। माननीय प्राचार्य जी, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे मित्रों, 17 सितंबर 2020 तो आपको याद ही होगा, इसी दिन संसद में 3 नए कृषि कानूनों को लागू किया गया। मैं आज उन्हीं कृषि कानूनों के विपक्ष में मेरा उनका खंडन करने जा रही हूँ और आपके समक्ष यहाँ मौजूद हूँ। इन 3 कानूनों में से पहला कानून था कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य। इसमें सरकार का कहना था कि वह किसानों की उपज के व्यापार को बढ़ाना चाहती हैं, व्यापार के विकल्प बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन सच तो यही है कि इस कानून ने मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है, जिसकी वजह से किसान अपनी उपज को ढंग से नहीं बेच पाते। दूसरा कानून है न्यूनतम समर्थन मूल्य सशक्तिकरण और संशोधन। इसमें सरकार का कहना था कि मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करेंगी, जिससे किसान अपनी फसल को एक ही मूल्य पर बेच पाए और जो आम जन है उनको फायदा हो, लेकिन इससे किसान को तो कोई लाभ ही नहीं होगा, क्योंकि सारा लाभ तो उन बड़े पूंजीपतियों का होगा जिनके पास भंडारण व्यवस्था है। तो आप बताइए कैसे यह कानून देश के लिए बड़ा ही क्रांतिकारी और लाभदायक बताया जाता है। नहीं, मेरी मत में तो यह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे जो बड़े पूंजीपति हैं जिनके पास भंडारण व्यवस्था है और जो हमारी किसान भारत के किसान जिनके पास भंडारण व्यवस्था नहीं है और वह अपने उपज को भंडार नहीं कर सकते, तो वह कैसे अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उन बड़े पूंजीपतियों को बेच दें और अपना घाटा करवाएं। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन। इसमें सरकार ने आलू, प्याज, दलहन, तिलहन और इन सभी दालों और सब्जियों को आवश्यक वस्तु की सूची में डाल दिया है, जिससे किसान जो इन सब्जियों और दलहन को है उस एक ही समर्थन मूल्य पर बेच पाता है और उसकी ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। आपने इस मंच को गरिमा प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए। अब हम आज के हमारे आखिरी वक्ता प्रतियोगी संख्या 10 को आमंत्रित करते हैं, जो विषय के विपक्ष में बोलेंगे। सुप्रभा का आज्ञाकारी प्रधानाचार्य जी, मेरे योग्य प्रतिद्वंदी और मेरे प्यारे मित्रों, आज हमारे साथ ही यह सवाल है कि हालिया कृषि कानून किसानों के लिए लाभदायी है या हानिकारक। मेरे हिसाब से यह कानून किसानों के लिए हानिकारक है और इसके कई कारण हैं। सबसे पहले यह कानून किसानों की आय का एक बड़ा हिस्सा खोने पर उनको मजबूर करता है। इस कानून के तहत किसानों को अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ेगा और जो किसान पहले से आर्थिक संकट में है, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। दूसरा, यह कानून किसानों को अपने सामान को बेचने की आजादी नहीं देता, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेचना पड़ेगा होगा। तीसरा, मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि यह कानून किसानों के लिए हानिकारक है और इसे हटा देना चाहिए। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय फादर प्रिंसिपल को, जो अपने अमूल्य विचारों से हमें प्रेरित करेंगे। और प्यारे मित्रों, क्या आप लोग आज के वाद प्रतिवाद से प्रभावित हुए?
जी हाँ या नहीं? ओके, मैं इस विषय के विपक्ष में बोलना चाहता हूं। मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू डिबेट। प्रिय मित्रों, सरकार ने तीन नियम पास किया, कानून पास किया और लाखों लाखों लोग दिल्ली घेर लिया, लाखों किसानों लोग दिल्ली घेर लिया और कहा कि ये बिल्कुल बकवास नियम है, हमारे शोषण के लिए है, हमारे जीवन को करोड़पतियों को देने के लिए एक तरह का रैंक ढूंढा है। और कितने सैकड़ों लोग शहीद हुए, पुलिस अपने बंदूक से लोगों को मारने के लिए कोशिश किया, लोगों ने अपना सीना छोड़ा करके खड़ा हुआ और मारने के लिए भी तैयार हुआ, क्योंकि उनके जीवन खत्म होने वाले थे, उनके सारे परिश्रम खत्म होने वाले थे, उनके पसीने को चूसने वाले नियम सरकार लेकर आया और उसके खिलाफ लड़ना उनके लिए अनिवार्य हुआ। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान लोग दिल्ली के रास्ते सारे जाम किए, कई लोग पागल लेते हैं, अपना घर परिवार छोड़कर अपना जान कुर्बान देने के लिए ये लोग रास्ते में आते हैं और बलिदान देकर भूखा प्यासा रहकर अपने सारे संपत्ति दांव में रहकर ये लोग सरकार के खिलाफ लड़ाई किया। क्या ये कानून सही है? क्योंकि ये सिर्फ करोड़पति वाले कॉर्पोरेट वालों की मदद करने के लिए ही सरकार ने नियम बनाया। अपने मित्रों को अडानी, अंबानी और बजाज और ऐसे मित्रों को हेल्प करने के लिए ही उन्होंने बनाया। प्रिय मित्रों, अपने बदखा में नहीं आए सरकार के, इसलिए लोग खड़ा हुआ और इसके खिलाफ लड़ा और अंत में जीत पाया और सरकार अंत में ये कानूनों को वापस ले लिया। ऐसा होना चाहिए डिबेट। Let's put our hands together for all their efforts. Now we have the results. I'd like to thank the judges for your fair judgment, and we have a wonderful result here. We have one first prize and two second prizes and one third prize. So the third prize is going to Aditi Bajia. Congratulations, Aditi. Now we have second prize going to Avani Parik. One going to Haya Khan. And the best speaker of the day. Yes, Tanjil Jagir. Congratulations, Tanju. You spoke well. At least you showed some confidence and you showed some style of debating. I was impressed. Even this girl did well.